हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राजेंद्र कुमार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि फ्रेंड्स आपके पास स्मार्ट पे सर्विस है और उसका मूव टू बैंक कैसे किया जाता है, यानी कि बैंक सेटलमेंट कैसे किया जाता है, तो चलिए लॉगिन के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही लॉगिन करते हो यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल देना है। यदि आप इसकी रिटेलर आईडी या डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हो तो नंबर मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आईडी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आप देख लीजिए, ये आईडी खुल चुकी है। यहाँ पे डेस्कटॉप मोड है, उसको अनेबल कर देना है। उसके बाद में ये पीसी की तरह ओपन होने लग जाएगा। तो चलिए, पीसी की तरह अब ये दिखाई देने लग गया। अभी इसको जूम करके मैं आपको एक एक सर्विस दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, इसके पोर्टल के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन फंसता नहीं है। तो चलिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। साइड में देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऊपर बैलेंस देख रहे हो 20,307 रुपये। तो इसको मूव टू बैंक यानी कि बैंक में कैसे भेजा जाता है और तुरंत पैसा आता है, चलिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे ऊपर डैशबोर्ड है, उसके बाद में सर्विसेज है, जर्नल है, ट्रांजेक्शन है, पेमेंट है, राइज कंप्लेंट है, और यहाँ पे एपीएस कैश आउट है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा और ये 20,307 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, ये पैसा बैंक में चला जाएगा। तो चलिए सिंपली इसके ऊपर एपीएस कैश आउट के ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो, जो भी आपने ट्रांजैक्शन की है यानी कि आधार कार्ड से पैसा निकाला है, वो यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, एक एक ट्रांजैक्शन यहाँ पे शो कर जाती है यानी कि कितना कितना आपने निकाला था। तो मैंने 2,000 करके निकाला था। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का बैलेंस 307 है और नीचे का बैलेंस कम है, तो ऐसा ही होना चाहिए, नीचे का बैलेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन आप देख रहे हो 2,000 रुपये की है। इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे राइट क्लिक करोगे, चेक मार्क लगाओगे, तो सभी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। तो चलिए मैं सभी पे टिक लगा देता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, मेन बात क्या है, यहाँ पे देखो सबसे ऊपर आपको मैं बैलेंस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो 20,220 है। ठीक फ्रेंड्स, ये 20,220 रुपये ऊपर के बैलेंस से कम होना चाहिए। यदि फ्रेंड्स नीचे का बैलेंस ज़्यादा है और ऊपर का कम है तो सेटलमेंट नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर का बैलेंस देख लीजिए 20,307 है और नीचे का कम होना चाहिए। ठीक है, यदि नीचे का ज़्यादा है तो आपको एक ट्रांजैक्शन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में सेटलमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपकी सेटलमेंट तुरंत हो जाएगी, इंस्टेंट हो जाएगी, तुरंत आपके खाते में पैसा चला जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखो, रिपोर्ट सक्सेसफुल हो चुकी है यानी कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। उसके बाद में चलिए डैशबोर्ड पे दोबारा से वापस से आ गए हम ऑटोमेटिक, और इसके बाद में एसएमएस आ जाएगा आपके बैंक से। चलिए आप ऊपर बैलेंस देख लीजिए कितना बचा है, 79 रुपीज़ बचा है। तो ये टोटल बैलेंस बच गया, बाकी देखिए एसएमएस भी आ गया, तुरंत एसएमएस आ गया कि यानी कि आपके खाते में क्रेडिट हो चुका है, आप देख लीजिए। चलिए मैं इसके ऊपर सिंपली क्लिक करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर फ्रेंड्स देख लीजिए, सबसे ऊपर आप देख रहे हो फ्राइडे है, 13 दिसंबर है, और आप ये बैलेंस देख सकते हो 20,220, और नीचे डेट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप मूव टू बैंक कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। मेरे चैनल पहली बार आए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय